बीएचयू स्नातक पंजीकरण 2023-24 में आपका स्वागत है। इस लिंक पर क्लिक करके बीएचयू प्रवेश पोर्टल पर जाएं। बीएचयू यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2023-24 में प्रवेश कीजिए। आवेदक द्वारा पंजीकरण शुरू करने से पहले पोर्टल महत्वपूर्ण निर्देशों और दिशा निर्देशों को प्रदर्शित करेगा। आवेदक को निर्देशों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए बॉक्स पर टिक करना चाहिए। बॉक्स को टिक करने के बाद ही नया पंजीकरण विकल्प सक्रिय होगा। नया पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में प्रारंभ करें और विवरण भरें। कृपया अपने 12 अंकों का एनटीए एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें। 12 अंकों का एनटीए एनरोलमेंट नंबर फिर से टाइप करें। आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम दर्ज करें। कृपया नाम के आगे कोई भी अभिवादन जैसे श्री, सुश्री, डॉक्टर आदि न लगाएं। कृपया सुनिश्चित करें कि आप द्वारा दर्ज किया गया विवरण वही है जो आपने एनटीए में पंजीकरण करते समय दिया था। कृपया ध्यान दें कि एक्टिवेशन के लिए सत्यापन कोड सहित आपके आवेदन से संबंधित सभी संचार आप द्वारा दर्ज किए गए ईमेल पते पर भेजे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को अपना उचित ईमेल पता चुनना चाहिए। 6 अंकों का सत्यापन कोड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा, साथ ही आवेदक के ईमेल पर भी भेजा जाएगा। पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड की लंबाई 8 से 20 कैरेक्टर की होनी चाहिए। इसमें कम से कम एक अक्षर, एक नंबर और एक विशेष वर्ण होना चाहिए। आवेदक का मोबाइल नंबर, ध्यान दें आप वही मोबाइल नंबर दें जो काम कर रहा हो। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों में ओटीपी केवल इसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कैप्चा, वहां दिख रहे कैप्चा को भरें। आप साइन अप करें। आवेदन के साइन अप करने के बाद आवेदक के पंजीकृत ईमेल पते पर पुष्टि हेतु एक ईमेल भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण पंजीकरण विवरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कृपया सभी विवरणों की जांच करें और इसकी पुष्टि करें। यदि कुछ जानकारी बदलने की आवश्यकता है तो परिवर्तन विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। आवेदक को एक एक्टिवेशन लिंक और लॉगिन विवरण की पुष्टि हेतु ईमेल प्राप्त होगा। आपको ईमेल आईडी और 6 अंकों का एक्टिवेशन कोड भरना है। उम्मीदवार का पंजीकरण खाता अब सक्रिय हो जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करने पर डैशबोर्ड दिखाई देगा। फिर से लॉगिन करें, साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। साइन इन करें। एक बार नियमों और विनियमों को पढ़ने के बाद उम्मीदवार स्टेप सेकंड द्वितीय चरण पर जा सकता है, अर्थात माई एप्लीकेशन पर। फॉर्म को कंफर्म करने और ऐड कर आगे बढ़ें। आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। बाईं ओर 7 चरण हैं जिन्हें आवेदक को सावधानी पूर्वक भरना है। आवेदक का विवरण, शैक्षणिक विवरण, प्रोग्राम का चयन, फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना है, बैंक खाता विवरण देना है और पूर्वावलोकन और पुष्टि करना है। सभी विवरण भरें और पूर्ण स्थिति की जांच करें। आवेदक को आगे बढ़ने से पहले सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्ज होने वाली इन चीजों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। पासपोर्ट फोटोग्राफ, डिजिटल रूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो आय प्रमाण पत्र और कोई अन्य प्रमाण पत्र जिसके लिए आप दावा करने जा रहे हैं। स्टेज फर्स्ट। आवेदक विवरण। आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, श्रेणी आदि को भरा जाए। कृपया वह दस्तावेज ही अपलोड करें।
यदि आपके द्वारा किया गया दावा किसी भी समय झूठा पाया जाता है तो आपका प्रवेश का आवेदन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, शारीरिक रूप से विकलांगता यदि लागू हो, बीएचयू कर्मचारी यदि लागू हो, खेल कोटा और कोई आपराधिक मामला लंबित है तो उसका विवरण संबंधित कॉलम में प्रदान करें। पहचान प्रमाण, फोटो के साथ पहचान प्रमाण के विकल्प का चयन करें। जो पहचान संख्या आपके पहचान पत्र में दी गई है उसे प्रविष्ट करें। छात्रावास, यदि छात्रावास की आवश्यकता है तो आवेदक को इस स्तर पर ही इसका विकल्प चुनना होगा। डिजी लॉकर यूजर आईडी लागू होने की स्थिति में चयन करें। स्थायी पता, स्थायी पता आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। पत्राचार का पता, मांगी गई आवश्यकताओं के अनुसार कॉलम भरें। यदि पत्राचार और स्थायी पते समान हैं तो इस बॉक्स पर टिक करें, सेव करें और आगे बढ़ें। स्टेज सेकंड, शैक्षणिक विवरण, दिए गए कॉलम में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का विवरण भरें। विवरण की दोबारा जांच करें, सेव करें और आगे बढ़ें। स्टेज थर्ड, प्रोग्राम चयन, प्रोग्राम चयन, किसी प्रोग्राम को चुनने के लिए उसे टिक करें। प्रोग्राम डिफॉल्ट रूप से केवल नियमित सीटों के लिए सूचीबद्ध होते हैं। पेड सीट विकल्प का चयन करने पर आवेदक को नियमित और साथ ही पेड सीट विकल्प दोनों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। यदि आप पेड सीट का विकल्प नहीं चुन रहे हैं तो केवल नियमित सीट पर आपके प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। जहां भी उपलब्ध हो पेड सीट का चयन करने पर आवेदक को नियमित और साथ ही पेड सीट विकल्प दोनों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। यदि आप पेड सीट का विकल्प नहीं चुन रहे हैं तो केवल नियमित सीट पर आपके प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। प्रोग्राम चयन को अंतिम रूप देने के बाद आवेदक कुल पंजीकरण शुल्क देख सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए इस शुल्क का भुगतान करना होगा। स्टेज फोर, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। पासपोर्ट फोटो चुनें और अपलोड करें। आपकी फोटो 100 KB से कम और केवल JPEG अथवा JPG प्रारूप में होनी चाहिए। अपना हस्ताक्षर चुनें और अपलोड करें। हस्ताक्षर की फोटो 100 KB से कम और केवल JPEG अथवा JPG प्रारूप में होनी चाहिए। कृपया एक स्पष्ट फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर सफेद पृष्ठभूमि पर काले अथवा नीले पेन से होना चाहिए। आप अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। सेव करें और आगे बढ़ें। स्टेज 5, दस्तावेज अपलोड। कृपया संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। आप आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। आवेदन विवरण चरण में आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण के संबंध में दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सेव करें और आगे बढ़ें। स्टेज 6, बैंक के खाते का विवरण। कृपया बैंक का नाम, शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, IFFC कोड और खाता धारक के नाम का विवरण प्रदान करें। कृपया अपनी खाता संख्या का स्पष्ट विवरण दें और उसे सुनिश्चित करें, क्योंकि भुगतान वापसी की स्थिति में भुगतान वापसी दिए गए खाता संख्या पर ही की जाएगी। सेव करें और आगे बढ़ें। एक बार जब आप
कन्फर्म द अबाउ और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो पंजीकरण फॉर्म आपको प्रोसीड एंड पेमेंट की ओर ले जाएगा। भुगतान के लिए निर्देश। आपके द्वारा चयनित प्रोग्राम के अनुसार ऑनर्स के चयन के लिए पंजीकरण फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए आवेदक को गैर वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए ये विकल्प मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, अन्य बैंक नेट बैंकिंग, UPI। पंजीकरण शुल्क का इंटरफेस इस तरह दिखाई देगा। भुगतान के साथ आगे बढ़ने के लिए पे नाउ सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। यदि आप भुगतान प्रक्रिया को रद्द करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि शुल्क का भुगतान करने के बाद आपके द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण में कोई परिवर्तन संभव नहीं हो सकेगा। भुगतान के लिए आगे बढ़ें। आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा। अब उपयुक्त मोड चुनें और पंजीकरण फॉर्म के अंतिम चरण यानी वरीयता प्रविष्टि के लिए आगे बढ़ने के लिए भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करें। इसके बाद आवेदक को उसके पंजीकृत ईमेल पर शुल्क जमा करने के पंजीकरण का विवरण प्राप्त होगा। स्टेज 7, वरीयता प्रविष्टि, प्रेफरेंस एंट्री। अंतिम चरण वरीयता प्रविष्टि प्रेफरेंस एंट्री है, जहां आवेदक को चयनित प्रोग्राम के अनुसार वरीयता के क्रम में ऑनर्स का चयन करना है। वरीयता जोड़ने के लिए उम्मीदवार को व्यू विकल्प से प्लस एड प्रेफरेंस का चयन करना होगा। यह उम्मीदवार को अगले पृष्ठ पर ले जाएगा। ऑनर्स का चयन करें। अपनी पसंद का विषय और उसका स्थान लोकेशन जोड़ें। स्थान उम्मीदवारों को सूचित करेगा कि संबंधित ऑनर्स उस स्थान पर दिया जाता है अथवा नहीं। लोकेशन को टिक करें, लोकेशन जोड़ें, लोकेशन को सेव करें। आपकी प्राथमिकताओं से संबंधित एक पुष्टिकरण बॉक्स को टिक करने की आवश्यकता होगी। यदि आपने एक से अधिक प्रोग्राम का चयन किया है तो अगले प्रोग्राम के ऑनर्स के चयन हेतु गो बैक बटन पर क्लिक कर पिछले चरणों को पुनः दोहराएं। ध्यान रखें, सेव और कंफर्म करने के पहले अगर आप वरीयता का क्रम बदलना चाहते हैं तो यह भी संभव है। आप ड्रैग अप एंड डाउन के माध्यम से यह कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद एड कोर्स प्रेफरेंस वाली शीट पर जाएं, प्रीव्यू एंड प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाएं, फॉर्म का प्रीव्यू देखें और अपने रिकॉर्ड के लिए उसका प्रिंट ले लेवें। सबमिट करने के पश्चात आपको मेल से भी यह फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।